कई बार कुछ लोग हमारे जहन में बैठ जाते हैं और वो भी सिर्फ एक बार देखने से ही। या हमारे ऑफिस कॉलेज में भी किसी ना किसी का एटीट्यूड, किसी की पर्सनैलिटी हमें पसंद आती है कि यार ये कितना कूल है या ये कितनी ब्यूटीफुल। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ सब ही रहना पसंद करते हैं, उनके आसपास भीड़ सी लगी रहती है। पर यार आज हम बात करेंगे कि हम ऐसे कैसे बन सकते हैं कि बिना किसी से कोई भी बात करे हम कैसे किसी की नजर में चढ़ सकते हैं, कैसे कोई हमें नोटिस करने लगेगा। ऐसा क्या करें कि हम किसी से कोई बात भी ना करें और फिर भी लोग हमारी हरकतें नोट करें, हमसे बात करने के लिए खुद आगे आकर बात करें। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि आज की वीडियो जरा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे पहले है आपको अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना होगा। देखो अक्सर जब हम कोई ऐसी चीज करने वाले होते हैं जहां पर कोई हमें नोटिस करे, या कभी आप डांस कर रहे हो और अचानक कोई आपको देखे तो एक सेकंड के लिए थोड़ा बंदा सोचने लगता है कि यार मुझे वो देख रहा है। अब यहां आपको ये चीज नहीं करनी, यहां पर आपका कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। ऐसा मत करना कि लोग आपको देख रहे हैं तो आप थोड़ा हिचकिचाने लगे और सबसे दूर जाने लगे। और ऐसी भी हरकत मत करना कि अटेंशन लेने के चक्कर में जबरदस्ती आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको करना भी नहीं चाहिए। जैसे फालतू का जोर जोर से चिल्लाना, जबरदस्ती कुछ ऐसा करना जिससे सब वहां के लोग आपको देखें, तो ऐसी कुछ चीज मत करना, मगर हाँ कॉन्फिडेंट रहना। दूसरा है, अगर आप ऑफिस कॉलेज में हो तो वहां खुद को ही कंपटीशन दो, क्योंकि ऐसी जगह पर वो लोग ज्यादा चमकते हैं जो बॉस की या टीचर की नजर में बढ़िया होते हैं। अब कई जगह तो पॉलिटिक्स भी होती है ऑफिस में, मगर आपको उस चीज पर ध्यान नहीं देना। आपको बस अपनी जो चीज है, जो काम आप कर रहे हो, उसे निपटा कर आगे आना है। पॉलिटिक्स जितनी भी हो, अगर आप काम बेहतरीन करते हैं तो उसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स को कुछ स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए बीच बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन किया करो, अलग अलग एक्टिविटी में हिस्सा लिया करो। यानी गैप नहीं होना चाहिए टीचर्स में और आपके बीच। टीचर्स को ये ना लगे कि भाई तू मेरी क्लास में है क्या, समझ रहे हो ना, कि अपने आप को थोड़ा आगे लेकर आओ। और इसके बाद है कि कभी भी खुद को साइड में मत रखो, बल्कि बीच में रहो। यानी जैसे कई लोग होते हैं जो अकेले हैं तो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं अकेले चुपचाप बैठकर खाते पीते हैं, कई कोने में बैठ जाते हैं। आप ऐसा मत करो, आप बल्कि सामने रहो उनके, जिन्हें आप चाहते हो कि वो आपको नोटिस करें। क्योंकि नोटिस तो तभी किया जाएगा ना जब आप सामने रहेंगे। आप सामने हो तो बस कभी कभी आई कॉन्टेक्ट करो, बाकी तो खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखो। इससे ये होगा कि आपका इंप्रेशन उनकी नजर में ऐसा पड़ेगा कि आप फेले बंदे नहीं हो जिसे बस यूं ही देखकर नजरअंदाज कर दिया जाए। आपके खुद के भी 10 काम है और आप ज्यादा किसी की तरफ देखते नहीं या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और यह चीज जो एक बहुत मेच्योर इंसान होता है उसे अपनी तरफ बड़ी अट्रैक्ट करती है, इसी चीज से वो आपको नोटिस करते हैं। इसके बाद कभी भी रूड बिहेव मत रखो, ना तो इरिटेट किसी के सामने फील करो, ना ही मतलब इतना ज्यादा रूड रहो कि हर रोज ही आपका मूड खराब है। अब खराब मूड वाले से कौन इतनी ज्यादा बातें करता है, पर अगर आप स्माइल करते हो और जिसे आप खुद को नोटिस करवाना चाहते हो उससे बात ना करके बाकी सबसे बात करते हो और उसके सामने दूसरों से स्माइल करके बात करते हो, तो ये चीज उसे अलग लगती है। फिर वो छोटी मोटी कन्वर्सेशन खुद ही स्टार्ट करने लगते हैं और आपको जानने की कोशिश में लग जाते हैं। और फिर है, ड्रेस ऐसी पहनो कि एक तो आपको पता हो कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है, या वो लड़कों को या लड़की को किस रंग के कपड़े में देख कर अट्रैक्ट होते हैं, और दूसरा खुद को देखो कि आपके ऊपर कैसा कलर बहुत सूट करता है। ये दोनों ही चीज आपका इंप्रेशन खूबसूरत तरह से किसी के सामने लेकर आती है। देखो यार, अगर आप चाहते हो कि नजरों में आप चढ़ो तो चढ़ने के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। जैसे आपके घर की सीढ़ियां हैं, छत पर जाने के लिए थोड़ा सा जोर तो लगाना पड़ता है ना, खुद को पुश करना पड़ता है, फिर चढ़ते हो धीरे धीरे। ठीक ऐसे ही ये भी है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आप जान पाएंगे कि कैसे अपना इंप्रेशन छोड़ा जाता है, और वो भी बिना कोई बात करे। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।